गुड मॉर्निंग इंडिया दिस इज अजय एंड यू आर वॉचिंग मार्केट मैजिक मैं जो पहले जब लोग लवर के नाम से जाना जाता था, था गाइस काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ मुझे लगता है कि आ, शायद वन या टू वीक हो गए शायद लोग तो भूलना भी स्टार्ट हो गए गाइस क्या करें टाइम ही नहीं मिल रहा है तो जो नए आए चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा के सेलेक्ट करिए बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव यहाँ पे बनाए जाते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में कि भाई नेचुरल गैस में क्या है तो आपको तो पता ही हमारा फंडा क्या है हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस की न्यूज से जब यार कोई हम जियो चीज के बारे में बात कर रहे हैं नेचुरल गैस इज अ जियो पोलिटिकल ड्रामा राइट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स राइट तो वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दोज राइट अगर आपको उसका नॉलेज नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे सिर्फ चार्ट कुछ नहीं होता चार्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती सो लेट्स कम ऑन

मैट्रिक टन वाइल्ड यूरोपियन इम्पोर्ट फेल एंड प्राइस रिमेन्स लो ठीक है ना अब यहाँ पे ये बात हुई कि चाइना को जो एल इंपोर्ट है अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें क्वार्टरली बेसिस नहीं देखना चाहिए क्वार्टरली बेसिस तो मुझे लगता है कि डाउन हुआ होगा लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस ट्वेंटी एट परसेंट सो दैट इज ए कैच ईयर यू नो अब अंडरस्टैंड गाइज जब न्यूज आती है ना तो उसको आप समझना कैसे है जब ये बोलते हैं ना ट्वेंटी तो उन्होंने वो डेटा नहीं दिया कि क्वार्टरली बेसिस क्या होता है आप बताइए जैसे अगर आप इक्विटी में भी अगर मार्केट में आप देखते हैं ना तो वहां जो क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं ना उसके बेसिस पे फ्लक्चुएशन होता है अगर ईयर ऑन ईयर अगर मान लो किसी का प्रॉफिट आता है लेकिन क्वार्टरली बेसिस में डाउन जाता है तो फिर उनकी प्राइसेस में डिप होता है आप समझ समझिए चीजों को तो जैसे मैं प्राइस और प्रॉफिट इनकी बात कर रहा करूं तो मैं आपको यहाँ पे चैनल से ओनली फॉर एजुकेशन किसी भी तरह कि की नहीं दी जाती आई एम नॉट सर्टिफाइड बट आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको किसी तरह का कोई ट्रेड करना तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेशियडे आपसे ट्रेड करें हम यहाँ पे अगर किसी लेवल्स के

जब आप एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ जाए तब स्टार्ट करिए गाइस ओके तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि चाइना इसका जो एल एनजी इम्पोर्ट तो मैं यह बता रहा था कि क्वार्टरली बेसिस इंक्रीज नहीं हुआ है हुआ है या नहीं हुआ है वी डोंट नो और मेरा जितना मानना है मुझे लगता है कि नहीं हुआ है क्वार्टरली तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 28 एट परसेंट आई तो पहला कैच सिर्फ एक लाइन से मैंने एक पहला कैच निकाला आप ध्यान से सुनिए नाउ फाइव पॉइंट नाइन सिक्स मिलियन मैट्रिक टन वाल यूरोपियन इम्पोर्ट एंड प्राइस रिमेन स्लो यूरोप का इम्पोर्ट नीचे जा रहा है द यूरोपियन यूनियन गैस बाइंग कार्टल है कॉन्टिनेंटल गैस टॉल फिल्स बट परचेज ऑफ एल एनजी है तो यहाँ पे बात की जा रही है चाइना का बढ़ रहा है एल एनजी इम्पोर्ट और यूरोप का घट रहा है तो ये तो बड़ी विवादास्पद बात होगी कि यार भाई जबकि यूरोप में चाहिए भाई एल एन जी तो बहुत ज्यादा वहाँ पे है खस्ता हालत चाइना का तो पहले ही माल मतलब बहुत ले रखा है तो यही बात है गाइस तो बेसिकली क्या हो रहा है माल शिफ्ट हो रहा है जो माल यूरोप में जाना चाहिए था रशिया का वो माल अब सीधा चाइना जा रहा है ठीक है ना और चाइना रशिया का माल खरीद रहा है खरीद राये, खरीद राये, खरीद राये, खरीद राये। खरीद खरीद रहा 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 है 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 क्यों क्योंकि वही माल वो भी दा, अच्छे दा दामों में बेचेगा अगर मैं आपको ये चीज बोलू अगर मैं आपको एक चीज ये बोलूँ शायद तो आप मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी अगर मैं ये चीज बोलूँ क्या हो अगर मैं ये बोलूँ कि रशिया चाइना को एल चाइना से एलएनजी एन जी लेना को एल इंपोर्ट आ, एक्सपोर्ट करता है चाइना उससे काफी बड़ी मात्रा में लेता है फिर उसी एलएनजी को चाइना रशिया को सस्ते दाम सॉरी यूएस को सस्ते दामों में बेचता है मतलब रशिया से तो थोड़ी महंगी प्राइस में बेचेगा अपना फायदा और फिर वही एल एन यूएस यूरोप को बेचता है तो आप बोलेंगे ये क्या बातें कर रहा है यार तेरे को पता नहीं यूएस चाइना तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है गई मैं एक बात बता हूँ आपको अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स जब बिजनेस की बात आती है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब बिजनेस की बात आती है ना तो ये अपना मेंटेन रखते हैं आज चाइना और इंडिया का बायोलिट्रल ट्रेड चाइना इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है आपको पता है ना लेकिन हमारा बायोलिट्रल ट्रेड पता है आपको वन बिलियन वन बिलियन डॉलर होता है दुनिया में मुझे लगता है कि अमेरिका के बाद दूसरा नंबर चाइना का है पहले चाइना नंबर वन था अब अमेरिका हो गया राइट इतना बड़ा ट्रेड आज भी होता है हमारे यहाँ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज पॉलिटिक्स होती है तो यहाँ पे जो तो बेसिकली क्या हो रहा है एलएनजी का जो मार्केट है वो शिफ्ट हुआ है कोई इंक्रीज नहीं हुआ है ठीक है ना बट यहाँ पे दूसरी बात यह है कि वही मार्केट ठीक है ना चाइना ने खरीद लिया अब चाइना छोटी छोटी कंट्रीज में जाके बांटता फिरेगा आप समझ रहे हो ना ठीक है ना तो यहां पे क्या देखो द यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट एल एनजी प्रोड्यूसर्स एनर्जी चाइना लॉन्ग टर्म एल एनजी सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट विद चाइना जी देखो मैंने बिना पढ़ेगा इस टू बी स्वेयर मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी मैंने सिर्फ यहां तक ही पढ़ा था मैंने अंदाजा लगाया और मेरा अंदाजा बैठ गया हालांकि कुछ लोग मानेंगे नहीं इस चीज को क्योंकि मुझे पता है कि ऑनेस्टी इस मार्केट में बहुत कम है राइट देखो यहाँ पे देखो लार्ज लॉन्ग टर्म एल सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट विद चाइना पता है इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ होगा इनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि भाई यार देख यूएस हम इतना यूएस बोल रहे होगा हम इतनी प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं चाइना के साथ मिल हम एल का करते हैं अब मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में जहाँ रशिया चाइना ताइवान का इतना हो रहा है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट वहाँ पे देखो ये डिले हो रही है वो भी लॉन्ग टर्म वाह, शॉर्ट टर्म डील नहीं है लॉन्ग टर्म एलएनजी तो गाइस अंडरस्टैंड ये जो पब्लिक को परोसा जाता है ना ये चीज न्यूज़ अलग होती है उसके इंटरप्रिटेशन और जियोपॉलिटिकल मायने बहुत अलग होते हैं वो जब तक आप नहीं समझोगे ना यू विल नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द नेचुरल गैस देयर आर सेवरल वे यू नो द नेचुरल गैस रिएक्ट्स द फर्स्ट इज ऑलवेज ए आपको पता है इंटरनेशनल न्यूज जियो पोलिटिकल ड्रामा अगर आप इंटरनेशनल न्यूज आपके पास आ भी गई लेकिन उसके मायने क्या रहेंगे शॉर्टर में अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो नहीं होंगे फिर टेक्निकल चार्ट फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिर रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें का okay? तो यहाँ पे यह वाली चीज है ठीक है ना बट द वीक डिमांड स्पेशली इन यूरोप कैपिटल लीड ऑन प्राइसेज अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे बात सुनिए मेरी बात मैं यहाँ पे मैंने इतना तो आपको बोल दिया

कि भाई ठीक है चाइना ने सारा मार्केट ले लिया है लेकिन मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूँ पहले के वीडियोस में बोला है कि एशिया का मार्केट सस्ता मार्केट होता है चलो बहुत बड़ा मार्केट है आज चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया जहाँ पे बहुत सारे होते हैं पर उनको पता है कि इंडिया में अगर माल बेचना है तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी वही चीज़ चाइना में भी है जब रशिया ने चाइना में माल बेचा तो चाइना को सस्ता बेचना भी पड़ेगा उसको अच्छे खासे दाम में क्योंकि वो बड़ी चीज बड़े मात्रा में ले रहा है और चाइना उसका दोस्त भी है भाई साहब ठीक है ना तो चाइना का जो माल बेचा गया है जी इनफेक्ट चाइना अपना कमीशन लेके भी अगर यूएस को बेचे और फिर यूएस अगर वापस यूरोप को बेचे तब भी वो प्राइस जो है जो रशिया डायरेक्टली यूरोप को बेचता है वो प्राइस को मैच नहीं कर पाता है तो मतलब सप्लाई तो जा रही है वो कि वही लेकिन प्राइस में कटौती हो गई और वही चीज तो मैटर करती है प्राइस में कटौती का मतलब नीचे जाएगी प्राइस प्राइस नीचे जाएगी तो आपका नेचुरल गैस का जो ये आपका जो इंडेक्स है वो भी नीचे जाएगा तो ये वाली चीज है अब मैं आपको दूसरी न्यूज बता देता हूं यहाँ पे फटाफट से फिर हम चार्ट के बारे में बात करेंगे ये देखिए तो आ जाते हैं हम यहाँ पे ठीक ना तो अभी दो सौ के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डिकोडिंग चाइनाज मेसिव ग्रीन एनर्जी बूम राइट ओके द चाइना इज रेपिडिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखिए कितनी अजीब चीज गरीब मतलब आप देखेंगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा मतलब आप बोलेंगे कि यार भाई साहब देखो जियो पोलिटिकल है मैंने पहले भी बोला आपको बहुत यू you नो know, आपके दिमाग के परे चीज होती है जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे जब तक आप चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे नहीं होगा आपसे देखो डिकोडिंग चाइनाज मैसिव ग्रीन एनर्जी अभी अभी तो आप बोलोगे साले अभी तो न्यूज पढ़ी कि हमने चाइना एनर्जी का इतना बड़ा इंपोर्ट कर रहा है और अभी आप बात कर रहे हो मैसिव ग्रीन एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर न्यूज है ठीक है ना दोनों तरफ से हो रहा है तो ये धंधे वाली बात होती है बिजनेस बिजनेस ओरियंटेड चीज है इनको पता है कि भाई एनर्जी में बूम होगा लेकिन इनको पता है कि ग्रीन एनर्जी का मार्केट है लेकिन इनको ये भी पता है कि ग्रीन एनर्जी का मार्केट तो बाद में है ना और देखिए आप अंडरस्टैंड समझिए क्रूड ऑयल को सिर्फ किसी से इम्पोर्ट करना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो क्रूड ऑयल आप इम्पोर्ट कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो नहीं अंडरस्टैंड बिजनेस बहुत तरीके से होते हैं आज जैसे इंडिया ने काफ़ी सारा रशिया से क्रूड ऑयल अपने पता परचेज किया हमने वो अपने यूज़ के लिए नहीं किया अगर हमने अपने यूज़ के लिए किया होता तो हमारी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली जाती यार बहुत ही चली जाती है लेकिन तो इंडिया ने क्या किया उसका फायदा उठाया क्योंकि देखो अब पहले ही बहुत इन्फ्लेशन है तो इंडिया ने क्या किया कि उसको है ना रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज में अच्छे खासे प्राइस में बेचा और प्रॉफिट कमाया राइट right? तो आप समझ रहे हैं ना तो चाइना का नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि चाइना अपनी पब्लिक के लिए यूज करे उसके पास पहले से है यार वो है ना दूसरे देशों में सर्कुलेट करने के लिए क्योंकि आपको पता है कि जहां अमेरिका का होता है कोई भी वहां से बाई नहीं करेगा रशियन खुले और पे खुले मतलब खुले यू नो you know, खुले दरवाजे से तो कोई करेगा नहीं लेकिन चाइना कर सकता है चाइना का तो ओपन मार्केट है राइट

गाइस आज चाइना की वो पॉलिसीज है जिसकी वजह से चाइना बहुत आगे निकल चुका है इंडिया से तीन या चार गुना इसकी इकोनॉमी ज्यादा है एक टाइम था जब चाइना और इंडिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता तो उन्नीस बीस का अंतर था तो ये चाइना की पॉलिसीज ही है जो उसे इतना बेहतर बना रही है आप देखिए यहाँ पे पॉलिसीज एंड फंडिंग गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है और उनके पास पैसा है भी सही अभी बहुत सारा राइट तो उनको खुले दौर पर फंड कर रही है द एशियन सुपर पावर कुड रीच वन थाउजेंड मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है तो कहने का मतलब मैं बात आ जाता हूँ अब, अब नेचुरल गैस की मुझे पता है कि आप लोग तो सीधा यहाँ पे तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम मैं आपको डिस्ल दे चुका हूँ यहाँ पे पहले लेवल की बात कर लेते हैं फिर हमारी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ वन मंथ का अगर मैं चार्ट देखू आपको तो वन मंथ का चार्ट अगर आपको यहाँ पे देख रहा होगा तो मतलब आप यहाँ पे ना अगर आप मुझसे कोई पूछे एक चलो कैंडल वैंडल बाद में ये चार्ट वगैरह बाद में देखेंगे पहले ये कोई मुझसे पूछे कि भाई यार क्या लग रहा है तो मुझे यहाँ पे ना दोनों तरफ लग रहा है ना भी हाभी नाभी हाभी नाभी हाँ ठीक है वन वीक का चार्ट देख लेते हैं वन वीक का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है ये तो दिख ही रहा आपको ठीक है ना तो वन मंथ के वापस चार्ट पे आ जाते हैं और फिर देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा लेवल है जो आप फिबोन से सीरीज आप बना लीजिए अगर आपको फिबन एस सीरीज आती है तो गाइस तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ काफी सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट्स भी है ठीक है ना तो देखिए एक्चुअल में जो आप मुझसे पूछेंगे ना जो मुझे सपोर्ट लिख रहा है सबसे बड़ा ठीक है ना वो अगर आप मुझसे मुझे शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लग रहा है पे सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है सॉरी सपोर्ट है दो है 204 पॉइंट नोट कर लीजिएगा दो पॉइंट चार ठीक है ना आप दो मान लीजिए उसको दो का सपोर्ट अगर ब्रीच होता है ना तो मुझे लगता है वापस से 190 190 के लेवल्स मिलेंगे नाउ इफ somebody will ask me लाइक like, किस तरह अपसाइड का क्या है देखो वीकली बेसिस तो आपको दिख ही रहा है कि ब्रीच लग रहा है लेकिन अगर कोई पूछता है कि यार चलो शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड के कौन से होंगे तो डेफिनेटली गाइस अगेन आई वुड से 220 इज द बेसलाइन वो अगर वापस से ब्रीच होता है तो अपसाइड का होगा अब काफी लोग मुझसे पूछेंगे सर आपका कन्विक्शन ही बता दो सर जी कन्विक्शन में गाइज यहाँ पे फिर से मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ गाइज हमेशा ध्यान रखिए हमेशा यू you नो know, कोई भी चीज हो आप कोई भी वीडियो देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि बिना किसी रिसर्च बिना किसी प्रॉपर न्यूज़ बिना किसी योर नॉलेज यू नो बिना किसी एनालिसिस के आपको कभी कुछ नहीं करना ध्यान रखिए भले कोई कुछ भी बोलता है कोई कितना भी तीस मार्क कहाँ है आपको हमेशा अपनी तरफ से एनालिसिस करना है अच्छे तरीके से चार्ट देखना है कौन कौन सा एनालिसिस करना है न्यूज़ देखनी है न्यूज़ के मायने देखने हैं जियो पोलिटिकल इंडस्ट्री वो न्यूज़ कहाँ से आई है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो देखनी है उसके बाद टेक्निकल चार्ट देखना है सारी चीज़ें देखनी है नॉर्मल अगर रीलिये चार्ट देखना चाहते हैं वो देख लीजिए कैंडल देखना चाहते हैं कैंडल देख लीजिए फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाइए

मुझे लगता नहीं कि इस एक्सपायरी में पॉसिबिलिटी तो मैं अगर मेरा कन्विक्शन बोलूँ सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन तो बीरिश मोमेंटम लग रहा है मुझे लग रहा है कि दो या दो तो मुझे लगता है कि कल ही शायद मंडे को मिल जाएंगे आज संडे है आठ बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को ये बिरिश रहेगा और दो के आसपास कोशिश

तो उसके बाद हमको रिस्क उसका रिस्क असेसमेंट भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में दो तो है, है। तो से 220 के बीच में कितना अंतर है निकालिए नो ठीक है ना और 205 उसमें छ का अंतर है ठीक है ना तो अब आप अगर ये सोच के चलिए कि अगर मान लो 220 हो जाए तो क्या करेंगे भाई साहब ठीक है ना तो ये आपकी रिस्क है ठीक है ना हो जाए तो क्या होगा उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा उसका आप पे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा उस इम्पेक्ट को आप कैसे अल्टर करेंगे वो सारी चीजें राइट तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने वाले जो बताता हूँ सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका हाई परसेंटेज रेशियो किस साइड है अप साइड है डाउन साइड है तो इतना एनालिसिस तो आपको आना चाहिए न्यूज बेसिस न्यूज आपको पता है टेक्निकल चार्ट आपको क्या कह रहा है उतना तो आपको पता होना चाहिए तो लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि भाई यार मैं परसेंट Uh, जैसा कि मैंने बोला कि मैं डाउन साइड के लिए हूँ और ट्वेंटी तो right? तो आपका, आपका क्या रहेगा दूसरा पॉइंट रहेगा कि साला यहाँ से नाइन पॉइंट का अपना जो रहेगा वो एसएल का रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का रहेगा और नीचे जो 204 है वो रहेगा सेवन पॉइंट्स का तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या कह रहा है यहाँ रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड कम है राइट नाउ the third point is so the second point suggests is this is not the right time this is not i would not say right time right time to market mein har din hota hai har second hota hai theek hai na lekin main kahunga ki this is not the ideal time क्योंकि अगर मान लो ये 219 पे होता तो that was the ideal time, right? वो ideal time होता right? 218 पे होता तो वो आइडियल टाइम होता लेकिन तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा कि चलो भाई मान लो मैं अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ कि यार चलो भाई मैं तो नीचे की तरफ ही करूँ मेरा जो कन्विक्शन है मेरा जो सब कुछ है वो नीचे की तरफ कर रहा है लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मान लो ऊपर आ गया भाई मान लो बीस पे आ गया अभी मैं क्या करूंगा तो उसके लिए मैंने मेंटेन कर रखी है भाई साहब चलो भाई सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि 220 क्योंकि देखो एक बात समझिए गाइस आपको भी पता है मैं इतनी बार से बोल चुका हूँ कि 220 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और नहीं आने वाला नहीं आने वाला और काफी लोग जो टेक्निकल चार्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो भी जब इतने सारे लोग होंगे तो उन लोगों को भी तो कोई कर रहा को बड़ा इन्वेस्टर तो भी देगा दो सौ मान लो ठीक है ना तो आप ये मान के चलिए आपके ट्वेंटी खत्म तो, तो अब आगे तो अब क्या करना भाई तो अब आपको क्या करना है दो से दो के बीच में ठीक है ना सस्टेन करना चाहिए कम से कम तीन मिनट के लिए ये आपको अपनी आइडियोलॉजी लगानी है क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर मान लो जैसे कोई बड़े इन्वेस्टर्स है मान लो दो तक करते हैं इसको तो वो ज्यादा देर तक वहाँ पे रखेंगे नहीं उसको ठीक है ना क्योंकि रखेंगे तब तो फिर एक नेचुरल जेन्यून वो हो जाएगा लेवल अप राइट तो वो रखेंगे नहीं तो ये वाली स्ट्राटेजी आपको अपनानी है चलो अब इसके बाद अब अगला पॉइंट आता है नहीं सर ये तो वास्तव में वहां पे सब कुछ रिवर्स ही हो गया कोई भयंकर न्यूज आ गई और 220 के ऊपर चला गया फिर कोई बात नहीं क्या करेंगे क्या करेंगे हेजिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी तो गाइज ध्यान रखिए ये चीज़ें है ना आप देखो ये चीज़ें जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ गाइज ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी एक जिम्मेदारी है गाइज ये आप जो ये काम कर रहे हो ना ये एक जिम्मेदारी होती है गाइज सेवी ने कहा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी अगर आप इसमें किसी भी तरह की कोई गलती करते हो ना तो ये सिर्फ आपको कोस नहीं करेगी सबको करेगी आप समझिए इस चीज़ को तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि शुरू में आप पहले ना पेपर ट्रेड करिए पेपर ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली मतलब आप सीखिए और उसको है ना ऑन द पेपर एग्जीक्यूट करिए एक्चुअल में नहीं पेपर पे आप दिमाग में रख लीजिए कि हाँ भाई मेरी स्ट्रैटेजी का थी ये होना चाहिए बस हुआ तो मतलब आप आप राइट हो गए इस तरीके से आप अपना आप ना छः महीने आप सीखिए ट्रायल करिए टेस्ट करिए अपने आप को अच्छे तरीके से जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं तो अब दस में से नौ बार बारी हमेशा मेरी ये काम कर रही है ये कर रही है वो कर रही तब जाके कुछ करिए अदरवाइज नॉट हमेशा से पहले बताता हूँ तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी तो विस नाइसफुल एंड नोवल थॉट दिस इज अच अच्छा एंड साइनिंग ऑफ एस